ना छूटता, फिरता चारों खानी, चार खानी में भरमता, कभू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मारे, सतगुरु के उपकारे। पुण्यात्माओं, आपका ना जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के को पुण्य इकट्ठे होकर आज संयोग वश आपको परमात्मा की कृपा, समझो विशेष तो रजा उन्हीं की होती है, संयोग वही जोड़ा करते हैं। आपको मानुष जन्म मिला और इस बिचली पीढ़ी में मनुष्य जन्म मिला, कलयुग का बीचला स्तर चरण है ये। प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे और ये बिचली पीढ़ी में इस दास को भेज दिया उसी उद्देश्य से। 600 वर्ष पहले प्रभु आए थे, ये ज्ञान दिया करते वो परम पिता हमारे मालिक आए थे, लेकिन हमने उनके साथ वो बदसलूकी की। आज उनकी लीलाएं अगर दास पढ़ता है तो पढ़ी नहीं जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम इतने नीच हैं कि अपने भगवान को भी डले पत्थर मारे, उनको दरिया में डुबोने की चेष्टा की, ना जाने कितना जुल्म उनके साथ किया। लेकिन वो परमात्मा थे, उनका बिगड़ा नहीं कुछ भी, लेकिन हम अंधे समझ नहीं सके। अब परमात्मा स्वयं ना आकर के अपना दास भेज दिया, शक्ति उन्हीं की काम करेगी, दास के पास कुछ नहीं है। लेकिन वो आती कहाँ से है? एक तो थर्मल प्लांट होता है, आगे फिर छोटे होते हैं पावर हाउस, उस पावर हाउस से ही आगे आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। भले ही उस पावर छोटे पावर हाउस में वो बिजली थर्मल प्लांट से ही आ रही है, आपका गुजारा उसी से होगा जो आपके निकटतम पावर हाउस है। तो ये दास एक पावर हाउस है, उस परमात्मा रूपी थर्मल प्लांट से आई हुई पावर इसी में, शक्ति उसी की है दाता की। लेकिन आज आपका यू काम बनेगा, अब इस जन्म में आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ से हृदय हटाना पड़ेगा इस काल के जाल से, काल के लोक से। हृदय हटाने के लिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, फिर ये भक्ति जो है आपकी कमाई है या आपको बहुत सहयोग देगी यहाँ से उल्टा हटाने में और सतलोक ले जाने में। तो इसलिए आप जिन ये ज्ञान और ये सत्संग और ये भक्ति प्रॉपरली करते ही रहना पड़ेगा आखिरी श्वास तक। तो पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म जन्म का ये शुभ संस्कार इकट्ठा हो गया, आपको ये यू ज्ञान मिल सुनने को मिल रहा है। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आप जैसी पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन इस पर रुके रहना पड़ेगा आखिरी सांस तक। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब राम नाम कौन सा है? ये राम नाम जो दास देता है, सतनाम दो अक्षर का जो नाम है। राम नाम जप कर थर होई, थिर माने सथाई, सतलोक में अमर हो जाओगे। राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, ये राम का नाम है। एक राम राम नहीं जपना है, हमने उस मंत्रों का सतनाम का जाप करना है। अब आपने सुना जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू न छूटते फिर फिरते चारू खान। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकुर सुकुर खरब अबोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है।
एक थोड़ा सा 2 मिनट का आपको ऐसा दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा, इस काल के लोक से मन हटेगा, उन साधनाओं से आप त्याग दोगे। देखिएगा, ये जैन धर्म की पुस्तक है, जैनियों ने ही लिखा है इसको, दास ने नहीं लिखा। दास तो इसको पढ़कर सुनाता है और परमात्मा के ज्ञान को निखार रहा है। आओ जैन धर्म को जाने, ये नाम है इसका। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और ये मुद्रक है इसका दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ में है, नीचे मिसप्रिंट हो रहा है। इसके 293 से हम शुरू करते हैं, थोड़ा हिंट सा देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। 293 पृष्ठ है, विशेष प्रकरण, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर, प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, 5 नाम हैं, एक वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, M.M. वर्धमान। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 293 पृष्ठ से। श्री महावीर भगवान का जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरा नामक भील की पर्याय से। पुरुआ भील कौन था और उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद्मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरा भील की पर्याय माने जीवन शरीर से कहाँ गया? वो कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब इसमें थोड़ा सा यह लिंक करना पड़ेगा, एक पुस्तक और दिखाएंगे आपको, जैन संस्कृति कोश। और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कि मारीची जो था ये ऋषभ देव का पोता था। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश प्रथम भाग, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व एंड, जिसे बुढ़े चित्र इनके बता। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन। प्रकाशक प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान, B33-33A1 न्यू साकेत कॉलोनी, BHU वाराणसी, फोन नंबर इतने इतने। ये भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक, सम्मति प्राच्य शोध संस्थान, न्यू अटेंशन एरिया, 13 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये यहाँ से छपा है, प्रकाशन यहाँ पर है, इसके प्राप्ति स्थान ये है इनका। अब ये पूज्य स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन M.M. मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित है। ये दी थी हमारे को 1-1000 में 3 ऋण के, कुल 608 पृष्ठ इसमें हैं और उन दोनों में इससे कम हैं। तो ये जो है 1000 में 1, 3000 में दी थी उन्होंने हमारे तई। और इसमें है क्या ये आप देखिएगा, इसके 175 पृष्ठ पर यह लिखा है कि ऋषभ के पौत्र
यानी पोता, ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये वैदिक धर्म का जो ठेका ले रहे हैं इसके विषय में ये क्लियर कर रहे हैं कि ऋषभ देव के पौत्र मारीची, जो अभी आगे दिखाओगे इसकी दुर्गति हुई मारीची की, ऋषभ देव के पौत्र यानी भरत के पुत्र मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। मारीचि ही जैन धर्म में महावीर भगवान वर्धमान बने आगे चलकर। ये देखिएगा जैन धर्म का विकास इतिहास प्रश्न नंबर 176 पर, जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभि राज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। कौन? नाभि राज जी। तरुण होने पर नाभि राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। अब सुमंगला से तो 99 बेटे एक बेटी 100 संतान हुई और सुंदरी इसे सुनंदा से एक बाहुबली नामक पुत्र, एक सुंदरी नामक पुत्री हुई। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, अपने पुत्र भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया करती। एक वर्ष तक कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर यानी ईख का रस पिलाकर उनकी इस निराहार वर्ती को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव के ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया है, केवल ज्ञान है, और धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने गुरु बन गए, दीक्षा देनी शुरू करी, चेले बनाने शुरू कर दिए। और प्रथम धर्म देशना, प्रथम चेला भरत के पुत्र मारीची को बनाया, मारीची को दी। पहली दीक्षा मारीची को दी, जो बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर बने। अपने आत्मा अब समझदार हो, इसमें घना रागड़ करने की जरूरत को ना, इतना ही काफी है समझदार के लिए। एक तो वैदिक धर्मालया का अंत आ जाएगा इसमें। यो मारीची ही ऋषभ देव जी से नाम लेकर, ऋषभ देव जी ने 1000 वर्ष तक हठ योग किया, जो कि किसी भी शास्त्र में करने का नहीं बता रखा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5-6 में इस हठ योग के विषय में क्या बताया है, देखिएगा। यह है श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 5 देखो। अब यहाँ 5 है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं, ये जो ये तप 1000 वर्ष किया इस ऋषभ देव जी ने, किसी भी ग्रंथ में नहीं है तप करने का। जो मनमाना, मन कल्पित था उसका, मनमाना घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त